राम राम, जय श्री राम। बाबा सादगी चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन है। अभी आपको लेके चल रहा हूँ अल्मोड़ा लाल बाज़ार। मैंने एक दुकानदार से मालूम किया कि यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं होती है या आज ही नहीं है, तो वो बोले कि जो भीड़ है वो मेन मार्केट में होती है, यहाँ पे इतनी भीड़ नहीं होती है। और अभी हम निकल रहे हैं धारानोला अल्मोड़ा मार्केट से। ये मार्केट कम बॉडी वेट लॉस करने के लिए ट्रैक बहुत ज़बरदस्त है। ये ऊंचाई की तरफ जा रहा है और ये ढलान है। ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर मार्केट में जाने के लिए, और वहाँ से राइट मुड़ेंगे तो माँ नंदा सुनंदा का मंदिर मिलेगा हमें। और बहुत अच्छी एक्सरसाइज है ये, बॉडी वेट लॉस होगा, बॉडी जो है शुगर फ्री होगी। ये ऑटो रिक्शा में चलने वाले, इन्हें आज मालूम पड़ा पहाड़ की ज़िंदगी क्या होती है। और इस तंग गली से निकलेंगे आगे गली में, और अब पहुंच गए हैं हम मार्केट। हमारे साइड ऐसी भीड़ नहीं है, और ये दो मार्ग हैं यहाँ पे, नीचे जो है वो कहीं और जाएगा, और ये मार्ग से जाएंगे हम माँ नंदा देवी के मंदिर की ओर। भीड़ नहीं है और इसलिए चलने में कोई मुश्किल नहीं है, आराम से तेज चलते चले जाओ। पहाड़ी सब्जियाँ हैं यहाँ पे, पहाड़ी फ्रूट सब्जियाँ, शेर से मुकाबला करने वाला डॉगी, और सामने फिर है चढ़ाई। जब बारामंडल में चंद्र साम्राज्य की स्थापना हुई थी, तब कलोयान चंद ने 1568 में इस केंद्र स्थित अल्मोड़ा शहर की स्थापना की थी। मजबूत है मेरा पोता, पैदल चलता हुआ आ रहा है। यह है शहर घोड़ी की नाल का के आकार का जैसा बना हुआ है, और ये माँ नंदा सुनंदा का प्राचीन मंदिर है। माँ नंदा सुनंदा बहुत ही शक्तिशाली देवी माँ है। इस मार्केट का नाम है माँ नंदा मार्केट, और वापस दर्शन करने के बाद में अब जाएंगे दूसरी मार्केट में। उत्तराखंड में बने हुए पुराने घर, पुराना डिजाइन। इस मार्केट का नाम है चौक बाजार। अभी हम जा रहे हैं मशहूर बाल मिठाई बनाने वाले श्री खीम सिंह रोतेला की दुकान में। यह है खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला, विश्व में इनकी बाल मिठाई प्रसिद्ध है। इस रोड का नाम है माल रोड, और यहाँ पर है खीम सिंह मोहन सिंह रोतेला, प्रसिद्ध है ये विश्व प्रसिद्ध बाल मिठाई चॉकलेट सिंगूड़ी के लिए। आपने एक ही तुगलक के बारे में सुना होगा, लेकिन दूसरा तुगलक हमारे कुमाऊँ के अल्मोड़ा में भी हुआ है, जो 1720 ईस्वी में जगत चंद की मृत्यु के पश्चात उनके पुत्र देवी सिंह चंद वो राजा बने, और तभी से जो है चंद वंश का साम्राज्य का पतन प्रारंभ हुआ। तो मित्रों,
देवी सिंह चंद को ही कुमाऊं का मोहम्मद तुगलक कहा जाता है। तो भारत में दो तुगलक हुए हैं, एक दिल्ली में और एक अल्मोड़े में। तो जो शॉपिंग करनी थी कर ली, पूजा का सामान ले लिया, मिठाई ले ली, जो कुछ ये था ले लिया और साथ में घूम लिया है अल्मोड़ा का बाजार। बिखरे हुए हैं।